नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूं ऐश्वर्या। तो आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आपको सुबह उठते ही क्या खाना चाहिए, आपके लिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें जो है फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पूरे गर्भावस्था के दौरान आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो कि आपके लिए स्वास्थ्य और आपको बेबी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जब ब्रेकफास्ट अच्छा होता है तो पूरा दिन जो है आप एनर्जी से भरपूर रखता है। तो ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। तो इसलिए ब्रेकफास्ट अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पूरे दिन के लिए, पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठती है तो सबसे पहले आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी पीने से आपके जो पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, मतली की प्रॉब्लम चल रही है, वो दूर होगी। तो फिर जो दूसरा चीज़ है वो है भीगे हुए 7 से 8 बादाम को छील कर खाना। मतलब आपको रात भर उस बादाम को पानी में भिगो कर रखना है। सुबह होते ही आपको उन 7 से 8 बादाम को, उसके छिलके को उतार के आपको खाना है। अगर आप वो ब्रेकफास्ट में खाती हैं अपने, तो पूरे दिन आपको एनर्जी मिली रहेगी। दूसरा, इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है। इसके साथ कई सारे आपको पोषक तत्व मिलेंगे, जैसे कि पच सूजन कॉन्ट्रैक्शन को दूर करता है। इसके साथ 5 से 6 भीगे हुए मुनक्के भी भर भिगो के मुनक्के को रख देना है। सुबह आपको ब्रेकफास्ट में 5 से 6 मुनक्के खाने हैं। इस मुनक्के में आपको कई तरह के पोषक तत्व मिलेंगे, जैसे कि आयरन मिलेगा। साथ ही आपको ये अनीमिया, जिसमें कि खून की कमी की प्रॉब्लम हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, उससे दूर रखेगा। उसके बाद अगला जो है भीगे हुए चने। चने आपने देखे होंगे जो कि लोग ब्रेकफास्ट में खासकर खाया करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा होता है, एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो एक बॉल, आपको छोटे से बॉल में भीगे हुए चने आप ब्रेकफास्ट में ले सकती हैं। इसके साथ आपको प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो ब्रेकफास्ट में भीगे हुए चने ज़रूर खाएं। अगर आपको रोटी या पराठा नहीं खाना है तो आप ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ खा सकती हैं। इसमें विटामिन ई पाया जाता है, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी तगड़ा चीज़ होता है। तो अगर आपका रोटी पराठे से मन भर गया है तो ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर आप खा सकती हैं। रोटी पराठा तो आपको खाना ही है ब्रेकफास्ट में। अगर आपको मन नहीं है किसी दिन खाने का, तो आप ये भी चीज़ ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकती हैं। उसके बाद ओट्स। ओट्स भी काफ़ी ज़्यादा पोषक से भरा हुआ होता है और गर्भावस्था के दौरान ओट्स खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओट्स में फाइबर रहता है, जिससे कि कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं हो। फाइबर के साथ इसमें जिंक और आयरन पाया जाता है, तो इसलिए ओट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद अगला, दलिया भी आप खा सकती हैं। दलिया भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन देता है गर्भावस्था के दौरान। अंडे खा सकती हैं, उबले हुए अंडे 1 से 2। गर्मी का दिन है तो सिर्फ एक, वो भी एक एक दिन बीच करके खा सकती हैं। अगर ठंड का दिन है तो रोज़ एक अंडा खा सकती हैं ब्रेकफास्ट में, जिसमें आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। फिर से चाय कॉफ़ी छोड़ के आप बनाना शेक पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं, एक रोज़ाना सेब खा सकती हैं। ये सारे चीज़ जो है ब्रेकफास्ट में सुबह उठते ही आपको ज़रूर खाना चाहिए। और चीज़ें अगर आप खा रही हैं जो कि जैसे फास्ट फूड हो गया, मैगी, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए पूरे प्रेगनेंसी। तो आई होप कि आप समझ गई होंगी कि प्रेगनेंसी में आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर खाएं और इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। न्यू हो तो कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।